कर दें। हेलो दोस्तों, आईडीए क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। तो आज अभी तक अपने स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है फेयर एंड फेस्टिवल के बारे में, तो इसी क्लास को अपन आगे करेंगे। और आज अपन पहले अपनी कोचिंग के बारे में बता देते हैं। आईडीए क्लासेस जयपुर जो आपके हाथोज खंडा का हॉस्पिटल के पीछे है, और वहाँ पे आपको एनडीए, डिफेंस, आर्मी, एसएससी, रेलवे, बैंक सभी एग्ज़ाम या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम मान लेते हैं, उन सभी एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। फिजिकल भी करवाया जाता है, ठीक है दोस्तों। एक महीने के अंदर आपको फिजिकल कंप्लीट करवा दिया जाता है। उसके अलावा सभी आप यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ के सभी क्लासें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी कोचिंग है आईडीए क्लासेस। चलो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। तो मध्य प्रदेश राज्य की जो फेस्टिवल है उनको याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि क्या है ये। पहले आप नृत्य देख लो कौन कौन से। सबसे पहले आपका नृत्य हो जाएगा, नृत्य क्या फेस्टिवल हो जाएगा, भगोरिया। उसके बाद में हो जाएगा गणगौर जो राजस्थान और हरियाणा में भी मनाया जाता है। उसके बाद में हो जाएगा तानसेन संगीत समारोह। उसके बाद में हो जाएगा गडल्या उत्सव, निर्जा उत्सव, काकसार महोत्सव, रसनवा, हरीरी और लोकरंग। तो इसको याद करने की ट्रिक अपन मैं बता रहा हूँ कि इसको याद करने की ट्रिक है। तो आपको याद करना है भगोरिया से किसको, गोरिया को, यानी कि गोरिया जो श्री कृष्ण भगवान की वो है, गोरिया होती है ना, वो मान लेना कि गोरिया है। तो वो क्या है, गणगौर के त्यौहार को, कौन से त्यौहार को, गणगौर के त्यौहार को, गणगौर के त्यौहार को कहाँ जाती है, राजा तानसेन या तानसेन संगीत समारोह में जाती है। कहाँ पे जाती है वो, तानसेन संगीत समारोह में जाती है। तो उसके बाद में वो क्या करती है, अब गणगौर के दिन क्या जाती है, तानसेन से मिलने जाती है या फिर तानसेन संगीत समारोह में जाती है। तो वहाँ पे वो क्या करती है कि गड़े में क्या, नीर डालकर, ये गडल्ले से गड़े से हो जाएगा गडल्या, गड़े में नीर। अब आपको बताया नीर क्या होता है, जल ही होता है। तो इसको, जल को अपन याद करेंगे नीर से, यानी कि गड़े में जल डालकर उसमें क्या करती है, काकसार यानी कि कोक मान लेते हैं, कोक का रस डालती है, यानी कि गड़े में नीर डाल के उसमें क्या करती है, कोक का रस यानी कि कोर का रस निकाल के, यानी कि यहाँ से याद करेंगे कि कोक का सारा रस निकाल के उसने क्या कर दिया, हरे रंग से, किससे, हरे रंग। तो हरे से हो जाएगा आपका कौन सा, हरीरी फेस्टिवल, और रंग से हो जाएगा लोक रंग। तो उसने क्या किया, गोरिया ने गणगौर के दिन तानसेन समारोह में जाके गड़े में नीर डाला और कोक का सारा रस निकाल के उसके क्या, हरे रंग से क्या कर दी, पट्टी बना दी, किसके, गड़े को, यानी कि गड़े को वो सजा देगी। कैसे सजाएगी, यानी कि गड़े में पहले नीर डालेगी और कोक से सारा रस निकाल के उसके ऊपर हरे रंग से उसको सजा देगी, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी पहली स्लाइड। उसके बाद में आगे चलते हैं, एक दो फेस्टिवल और है कि उस गड़े को उसने क्या कर दिया, सजा दिया। तो सजाने से आप याद करोगे, यानी कि उसने उसको क्या कर दिया, सजा दिया। और जो पीर थे कौन, बूढ़े पीर, यानी कि बूढ़े पीर के पैरों में, पद से आपको क्या करना है, पैरों में उसको छठ से गिरा दिया, क्या कर दिया, छठ से गिरा दिया। तो ये हो जाएगी आपकी ट्रिक मध्य प्रदेश के राज्य जो इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल है उनको याद करने की ट्रिक। तो क्या हो जाएगी कि गोरिया है जो गणगौर पे क्या जाती है, तानसेन संगीत समारोह में जाती है और वहाँ से कोक का सारा रस निकाल के, कोक से हो जाएगा कोकसार,
रस से निकल हो जाएगा, रसनवा फेस्टिवल। सारा रस निकाल के उसने क्या कर दिया, हरे रंग की पट्टी बना दी उस गड़े को सजाने के लिए। तो हरीरी हो जाएगा, हरे से रंग से हो जाएगा लोक रंग, और उसको क्या कर दिया, सजाने से हो जाएगा संजा फेस्टिवल। और उसके बाद में क्या कर दी, बूढ़े पीर के ऊपर यानी कि उसके पैरों में छठ से गिरा दी, यानी कि तुरंत उसने गिरा दिया, तो हो जाएगा द्रुपद हो जाएगा पैर से, और तुरंत गिरा दिया यानी कि चेतिया गिरी फेस्टिवल हो जाएगा, कहाँ का, मध्य प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन ने नेक्स्ट राज्य के बारे में। तो नेक्स्ट राज्य है पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के इम्पोर्टेंट राज्य कौन कौन, वो फेयर एंड फेस्टिवल कौन कौन से है। देखो एक बार वो और बता दूं कि ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं आपके लिए। तो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भगोरिया नृत्य, उसके बाद में हो जाएगा ये तानसेन संगीत समारोह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हो जाएगा ये आपका निर्जा, उसके बाद में ये काकसार हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा ये लोकरंग, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश से। उसके बाद में इसमें हो जाएगा संजा फेस्टिवल, एकमात्र है इसमें कौन सा, संजा वाला, और एक ये हो जाएगा आपका पीर बुदान। तो ये पांच से छह इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल है मध्य प्रदेश के। ठीक है, आगे चलते हैं पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के कौन कौन से इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल है, इनको याद करेंगे अपन, एक ट्रिक बनाएंगे जिसके माध्यम से इसको याद कर लेंगे। मध्य प्रदेश के ज़्यादा नहीं है, आठ फेस्टिवल है, इनको याद कैसे करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या होती है, दुर्गा पूजा। अब एक बात बता दूं कि ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि दुर्गा पूजा कहाँ की फेमस है, ये हो जाएगी पश्चिम बंगाल की। ठीक है, छठ पूजा बिहार में होती है, हाँ ये कहाँ से हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में कौन सी हो जाएगी, दुर्गा पूजा। ठीक है, तो अपन याद करेंगे कि ये हो जाएंगी कौन से, एक तो हो जाएगा जगदात्री पूजा, उसके बाद में हो जाएगा दुर्गा पूजा, नबो बोरसो, ये पश्चिम बंगाल का न्यू ईयर बोला जाता है इसको, नबो बोरसो को, किसको, न्यू ईयर ऑफ वेस्ट बंगाल। न्यू ईयर ऑफ वेस्ट बंगाल नबो बोरसो को, उसके बाद में हो जाएगा डोलू यात्रा, उसके बाद में हो जाएगा गंगा सागर उत्सव, पोइला बैसाखी हो जाएगा, रामकेली उत्सव हो जाएगा, तिस्ता चाय महोत्सव हो जाएगा, और जलपेश उत्सव हो गया। ठीक है, तो अपन इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने की ट्रिक है कि मान लो दुर्गा पूजा हो रही है, तो उसको कैसे याद करेंगे कि दुर्गा कौन है, दुर्गा माता है वो जगत की दात्री है, क्या है, जगत की दात्री दुर्गा माता। ठीक है, तो उसके क्या कहते हैं, उसको नए वर्ष पर यानी कि वेस्ट बंगाल में जो नया वर्ष आता है उसके दिन क्या किया जाता है, उनकी यात्रा निकाली जाती है, किससे, ढोल बजाकर उसकी यात्रा निकाली जाती है दुर्गा पूजा की, है ना, दुर्गा माता की। तो ये हो जाएगा कौन सा, डोलू यात्रा हो जाएगा, और उसके बाद में कहाँ लेके जाता है, यहाँ आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में जगह है गंगा सागर जगह, तो उससे गंगा सागर उत्सव मनाया जाता है वहाँ पे। तो क्या है, जो दुर्गा पूजा दुर्गा माता की है ना, नए वर्ष के दौरान डोलो से यात्रा निकाली जाती है और उनको क्या, गंगा सागर तक लेके जाता है। अब आपको बताया कि यात्रा निकालनी है तो उसके लिए उनके लिए खाना भोजन भी चाहिए होगा, तो उनके लिए क्या, एक तो पोहे लेके जाते हैं और केले दिए जाते हैं, जो भी यात्रा में जाती है उनको क्या, पोहे दिए जाते हैं और केले दिए जाते हैं, और चाय का और जल यानी कि चाय पिला दी जाती है और जल पिला दिया जाता है। ठीक है, तो इसको अपन इस ट्रिक को लिख देते हैं कि क्या, जगत की दात्री। जगत की दात्री कौन, दुर्गा माता।
दुर्गा माता तो उनके क्या वेस्ट बंगाल में न्यू ईयर के दिन क्या किया जाता है, उनकी डोल से क्या यात्रा निकाली जाती है और उनको कहाँ तक लेके जाया जाता है, गंगा सागर तक लेके जाया जाता है। तो वहाँ जैसे ही यात्रा में जाओगे तो वहाँ पे क्या उनको खाने के लिए, लोगों को खाने के लिए भी चाहिए, तो उन्हें क्या दिए जाते हैं, पोइला पोहा केले दिए जाते हैं। ये राम के लिए होगा, कौन सा, राम के लिए उत्सव, ठीक है। केले दिए जाते हैं, पोहे और केले का नाश्ता करवा दिया जाता है और उनको चाय और पानी यानी कि जल उनको पेश किया जाता है, यानी कि चाय और जल उनको पेश कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी ट्रिक। तो कौन कौन से हो जाएंगे वेस्ट बंगाल के, जगदात्री हो जाएगा, दुर्गा पूजा हो जाएगा, उसके बाद में नबोबोरसो जो वेस्ट बंगाल का न्यू ईयर बोला जाता है, उसके बाद में डोलू यात्रा, गंगा सागर उत्सव हो जाएगा, उसके बाद में पोइला बैसाखी हो जाएगा, रामकेली उत्सव हो जाएगा, ये देखो आपको बताए, तीस्ता चाय महोत्सव आएगा आपके क्वेश्चन, तो वो हो जाएगा कहाँ से, वेस्ट बंगाल से। और चाय महोत्सव होता है वो कहाँ का होता है, असम राज्य का होता है। और वो कौन सी जगह पे मनाया जाता है, जोरहाट जगह पे मनाया जाता है, जिसको दुनिया की चाय राजधानी भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट राज्य के बारे में। तो नेक्स्ट राज्य या इसके इम्पोर्टेंट कौन कौन से है वो बता रहा हूँ मैं। इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है दुर्गा पूजा, यानी कि ये तो आएगा ही आएगा दुर्गा पूजा वाला। एक आता है नयो और नबो बोरसो, उसके बाद में डोलू यात्रा या जात्रा भी बोले जा सकते हैं, क्योंकि यात्रा कुछ राज्यों में अलग अलग लैंग्वेज होती है तो उसके हिसाब से कुछ अलग अलग बोला जाता है, तो यहाँ पे यात्रा को जात्रा बोला जाता है। उसके बाद में हो जाएगा गंगा सागर उत्सव, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, और उसके बाद में ये जल पेश वाला, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल के इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं अपने, कौन सा राज्य आएगा, उत्तर प्रदेश राज्य। तो उत्तर प्रदेश राज्य के इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल को अपन याद कैसे करेंगे, उत्तर प्रदेश में आपको बताए कौन सा मेला होता है, कुंभ मेला होता है। तो ये आपका कुंभ मेला चार चार जगह पे होता है भारत के अंदर। कुंभ मेला कितनी जगह पे होता है, चार जगह पे। पहला हो जाएगा प्रयागराज, जो कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा नासिक में, ये आपका कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र में। तीसरा हो जाएगा उज्जैन में, ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा हरिद्वार में, हरिद्वार उत्तराखंड में है। तो ये कुंभ मेला चार जगह पे आयोजित किया जाता है भारत के अंदर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश में और हरिद्वार उत्तराखंड में। और इसमें क्या है, चार भाग होते हैं, तीन भागों में, यानी कि कुंभ मेला होता है अर्ध कुंभ। जो अर्ध कुंभ मेला होता है ना, वो तो होता है 6 साल में एक बार। कुंभ मेला होता है बारह साल में एक बार, और एक होता है महाकुंभ जो कि 24 साल में एक बार होता है। तो 2025 में अभी उत्तरा यानी कि उत्तर प्रदेश में होगा कुंभ मेला, ठीक है। 2025 में, 25 में होगा आने वाले, है ना, ठीक है। तो ये हो गई इस कुंभ मेले के बारे में कुछ डिटेल। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो फेयर एंड फेस्टिवल है उनको याद कैसे करेंगे। तो आपको क्या याद करना है, कजली और श्रावणी, यानी कि दो लड़कियां हैं कजली और श्रावणी, वो क्या करती है, उनको कहाँ जाना है, कुंभ मेले में जाना है। तो वो क्या करेगी, मकान पे यानी कि अपने घर पे 2.5 घंटे शरापत से बैठे रहेगी, किसके सामने, अपने पापा के सामने। तो उनको जाना है तो वो क्या है, पहले पापा को मनाएगी, फिर उसके बाद ही मेले में जाने दिया जाएगा उनको। तो वो क्या करती है, कजली और श्रावणी क्या करेगी, कुंभ मेले में जाने के लिए 2.5 घंटे, है ना,
ढाई घंटे तक बैठी रहती है शरीफा यानी कि शरीफ बन के अपने पापा के सामने, और अपने पापा को पटाने के लिए वो क्या करती है, ताजे कालिंजर उनको देती है, यानी कि ताज़ा कालिंज अंजीर, मान लो कि ताज़ा अंजीर उनको खिलाती है और पापा को पटाकर और मेले के लिए उनको राजी कर लेती है। तो वो क्या करती है, फिर उसके बाद में उनके पिताजी ने उनको क्या दिया, 9 चांदी दे दी, यानी कि अब तुम जाओ बटुए से, यानी कि यहाँ से बटुएश्वर डाईगार से हो जाए कि बटुए से निकाल कर 9 चांदी दे दी, तुम मेले में जाओ और क्या करो, महामंडली में जाना, महामंडली में जाके बैठ कर वहाँ पे क्या करना, रामायण रामायण के पाठ करना और परिक्रमा करके वापिस आ जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य के फेयर एंड फेस्टिवल को याद करने की ट्रिक। हाँ, एक तो हो जाएगा प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में, दूसरा हो जाएगा हरिद्वार, हाँ उत्तराखंड में, उसके बाद में हो जाएगा उज्जैन, हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर कुंभ मेले में, इलाहाबाद वाला, इलाहाबाद या प्रयागराज हो गया ना, हो गया ये तो, कौन कौन से हो गए, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक महाराष्ट्र वाला चौथा, ठीक है। तो इसको याद करने की अपन ट्रिक लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के राज्य हैं उनको कैसे याद करेंगे। तो आपको रूट वर्ड याद करना है कौन सा, कजली, कौन सा, कजली को, कजली और श्रावणी, कजली और श्रावणी दो लड़कियां हैं जिनको कहाँ पे जाना है, कुंभ मेले में जाना है। कुंभ मेले में जाने के लिए वो क्या करती है, अपने घर यानी कि मकान पे, मकान पर 2.5 घंटे, ढाई घंटे सरापत से बैठी रहती है, और फिर क्या करती है, ताजा अंजीर, ताजा अंजीर, ताज़ा अंजीर अपने पापा को यानी कि खिलाती है और उनको क्या कर लेती है, पटा लेती है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही उनको पापा को राजी कर लेती है वो कुंभ मेले में जाने के लिए, तो फिर उनके पापा क्या, बटुए से निकाल कर, बटेश्वर डाईघाट उत्सव, तो क्या बटुए से निकाल कर उनको क्या दी जाती है, 9 चांदी, यानी कि 9 चांदी के सिक्के, मान लो कि 9 चांदी के सिक्के देती है उनको, 9 चांदी के सिक्के देता है और क्या करता है, उनको बोलता है कि तुम मंडली में जाकर बैठना और रामायण का पाठ करना और उस और परिक्रमा करके वापिस आ जाना, ठीक है। तो ये हो जाएंगे वेस्ट इस राज्य के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, ठीक है, कौन से, कि उत्तर प्रदेश राज्य के, ठीक है। तो इसके इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा है, जो अभी क्या है एसएससी का ट्रेंड चल रहा है कि वो फेयर यानी कि त्योहारों से भी कम पूछ रहा है क्वेश्चन, और अभी ऐड कर रहा है, यानी कि पहले तो वो फोक डांस से पूछ रहा था, उसके बाद में उसने स्टार्ट किया त्योहारों से पूछने लग गया, और अभी लेटेस्ट में दो 2024 के एग्जाम हो रहे हैं उनमें क्या है, ये मेलों से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लग चुका है। तो जैसे जैसे आप तैयारी करते जाओगे, आप नोट्सों को भी अपने को अपडेट करते रहना और हमारे चैनल से जुड़े रहना है, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा पैटर्न अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसे अगर आप एक ही नोट्स को लेके बैठ जाओगे तो आपको ट्रेंड का पता नहीं चलेगा कि एग्जामिनर अभी कौन से चैप्टर से या किससे ज़्यादा क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और इसमें आपके इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, इसमें आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा एक तो कजली, सबसे ज़्यादा हो जाएगा कुंभ मेला, ये तो आपके अलग अलग जगह, वो 4 जगह मैंने बताई है उसी के माध्यम से पूछेगा, ऐसे
स्टेट वाइज नहीं पूछता, वो इस जगह वाइज पूछता है कि प्रयागराज में, हरिद्वार में, या फिर आपको ऑप्शन दे देगा, यानी कि तीन जगहों के नाम दे देगा और एक जगह का नाम नहीं देगा, और फिर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी जगह पे कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता, तो वो आपको एलिमिनेट करना होगा उस जगह को। ठीक है, इसमें हो जाएगा एक आपका ताज महोत्सव, उसके बाद में हो जाएगा कालिंजर, उसके बाद में हो जाएगा नौचंदी, और एक ये महामंडली वालों, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, चार पांच छः फेस्टिवल जो तो आपको याद करने ही करने हैं। और इनको आप क्या कर सकते हो, इनको स्किप भी कर सकते हो एग्ज़ाम टाइम में, अगर आपके पास टाइम है तो सभी को याद कर लो, अगर आप एग्ज़ाम नज़दीक है तो इनको तो आप कंटेस्ट याद कर लो। वैसे मैंने सभी को ट्रिक के माध्यम से बता दिया है कि अगर आप एक से दो बार या तीन बार भी इस ट्रिक को रिवाइज करते हो ढंग से, तो आपको सारे फेस्टिवल ऐसे ही याद हो जाएगा। और इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, पहले तो आपको क्या है, आपको नाम पता होने चाहिए, तो एक बार तो आप इन नामों को याद कर लो कि नाम कौन कौन से हैं। जैसे ही आपके नाम दिमाग में फिट हो जाएंगे, उसके बाद में आप ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं मिजोरम राज्य के। तो आपको बताया मिजोरम में मजा आ रहा है, तो मजे से अपन इसको याद करेंगे मिजोरम के राज्य को। तो मिजोरम के अपन जो भी राज्य, जो इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल है, उनको अपन कैसे याद करेंगे कि पाव जो ले लो, पाव जो ले लो और एंथोरियम, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, एंथोरियम, एंथोरियम यानी कि पाव जो और एंथोरियम को उसमें चपा दो, क्या कर दो, पाव जो ले लो और एंथोरियम को उसको में चपा दो और थाली में कूट लो, यानी कि पाव जो लेके एंथोरियम को उसमें चपा के उसको थाली में मजे से कूटो और खुआ दो, क्या कर दो, खुआ दो। तो मिजोरम राज्य की जो फेस्टिवल है वो कैसे याद करेंगे कि पाव, आपको क्या लेना है, पाव जो लेना है, पाव जो लेना है, उसके बाद में क्या है, एंथोरियम लेना है, और उसको क्या है उसमें जो के साथ चपा देना है, और उसको क्या किस में चपाओगे, थाली में, थाली में चपा कर उसे मजे से कूटो और उसको क्या कर दो, किसी को खुआ दो। तो ये हो जाएंगे मिजोरम के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, कौन कौन से, पावलकुट, पोलकुट, ये अलग अलग है, पावलकुट या पोलकुट भी बोल सकते हो। अब इसमें एक रूट वर्ड भी आता है, मिजोरम के जो फेस्टिवल होते हैं अपने त्यौहार बोला जाता है, और मिजोरम में इन त्यौहारों को कूट बोला जाता है, तो ये भी रूट वर्ड हो सकता है कि आपको कूट दिखे, तो ज़्यादातर ये होगा कि वो मिजोरम से ही मैच करेगा, जहाँ पे भी कूट दिखे समझ जाना कि वो मिजोरम से पूछना चाहता है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, पावलकुट या पोलकुट हो जाएगा, जो कुटपई हो जाएगा, उसके बाद में एंथोरियम कूट हो जाएगा, चापचार कूट हो जाएगा, थाल कूट हो जाएगा, मीम कूट हो जाएगा, और खुआंदो कूट महोत्सव हो जाएगा मिजोरम का। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इनमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से, एक तो ये थाल वाला, मीम कूट, और उसके बाद में चापचार कूट, और ये पावल कूट हो जाएगा। ये चार इम्पोर्टेंट है मिजोरम राज्य के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। ठीक है, उसके आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट राज्य, जो आपका लास्ट होगा, यानी कि पंजाब राज्य के। तो ज़्यादातर आपको सभी याद होंगे कि आपको बताया कि बैसाखी भी पंजाब में मनाया जाता है, ये लोहड़ी भी पंजाब में मनाया जाता है, गुरु पर्व हो गया, और तीज और तीयन, ये तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई है, वो कैसे याद करोगे, पहले देख लो कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। एक तो बैसाखी हो जाएगा, होला मोहल्ला हो जाएगा, लोहड़ी हो जाएगा, आपका गुरु पर्व हो जाएगा, ये चार तो इम्पोर्टेंट है, इनको तो याद रखना ही रखना है। कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा बैसाखी हो जाएगा, होला मोहल्ला हो जाएगा,
लोहड़ी फेस्टिवल हो जाएगा और गुरु पर्व हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको इसको कैसे याद करना है। एक आसान सी ट्रिक है। सबसे पहले बैसाखी के बारे में, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, यानी कि जो सिख गुरुओं के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी, तभी से बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है पंजाब के अंदर। ठीक है, तो इसको याद करेंगे कि बैसाखी में क्या आ रहा है, सखी आ रहा है। सखी से क्या है, सखी क्या है, मोहल्ले में जाती है और वो क्या मनाने जाती है, लोहड़ी का त्योहार मनाने जाती है और वहां पे क्या करती है, सोडा डाल, यानी कि सोडा पीने लग जाती है। सकिया जो मोहल्ले में जाकर लोहड़ी का त्योहार मनाती है, वहां पे क्या करती है, सोडा पीने लग जाती है। तो जैसे ही सोडा पीने लग जाती है, तो उनके गुरु आते हैं और गुरु ने क्या किया, उनसे वो मांग लिया कि तुम क्या पी रहे हो, मेरे को दो। तो उन्होंने क्या कर लिया, मांग लिया सोडा को, यानी कि तो मांगने से हो जाएगा माघी मेला। और जैसे ही उनको पता चला कि इसमें तो सोडा है, तो उन्होंने क्या किया, उनको चप्पल से मारा। तो चप्पल से मारा तो चापर मेला हो जाएगा कहाँ का, पंजाब का। और उन्होंने क्या किया, चप्पल से मारने लग गए। तो ये हो जाएंगे पंजाब के इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल कौन से। तो उन्होंने क्या किया, सखी जो मोहल्ले में जाकर क्या लोहड़ी का त्यौहार मना रही थी, तो वो क्या कर रही थी, सोडा पीने लग गई। तो जैसे ही उनके गुरु आए, तो गुरु ने उनसे मांगा कि मेरे को भी दो, तुम क्या पी रही हो। तो जैसे ही उन्होंने मांगा, तो उन्होंने को पता चल गया कि ये तो सोडा है। तो उन्होंने क्या किया, उनको चप्पल से मारा। तो इससे हो जाएगा चापर मेला हो जाएगा, माघी मेला हो जाएगा, गुरु पर्व हो जाएगा, लोहड़ी हो जाएगा, सोडल मेला हो जाएगा, होला मोहल्ला हो जाएगा और बैसाखी हो जाएगा, जिसकी खालसा पंथ की शुरुआत 13 अप्रैल 1699 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे पंजाब राज्य के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। उसके आगे की अपन कल करेंगे क्लास। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी क्लास आपको जरूर बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को और हमारी आइडिया क्लासेस जयपुर को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बंद कर दो।